है कि सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 1950 को जब संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के निरीक्षण में बनकर तैयार हुआ था, और आज उस दिन से लेकर 1950 से लेकर 2024 75 साल हो गए जब आज देश उस संविधान के अंतर्गत अपना संचालन करता है। और दूसरी तस्वीर सबसे अहम, एक पहली तस्वीर जहां जयपुर के एसएमएस स्टेडियम से आपको दिखा रहे हैं तमाम कलाकार, जहां पर वो शौर्य पराक्रम संस्कृति धरोहर को पेश कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, कर्तव्य पथ से लेकर विजय चौक तक ये जो काफिला गुजर रहा है, थोड़ी देर में 10:30 बजे जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पारंपरिक बग्गी में पहुंचेंगे। 40 साल पुरानी परिपाटी ये बेहद फिर से 40 साल के बाद आपको जीवंत दिखाई पड़ेगी, और उसके बाद विजय चौक पर 2 मिनट का मौन धारण करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल वॉर मेमोरियल दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है। ये तस्वीर सीधे इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खास और भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर जश्न की तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। कर्तव्य पथ से भारत की शक्ति का, शौर्य का प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। जमीन से लेकर आसमान तक अभेद्य सुरक्षा महाशक्ति भारत को भी यहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। वीरता का कर्तव्य पथ, देश की आन बान और शान, कर्तव्य पथ पर भारत की शक्ति का और शौर्य का प्रदर्शन किया जाएगा। लगातार आपको महा कवरेज सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर 75वें गणतंत्रता दिवस की दिखाते रहेंगे, जहां पर पूरे देश भर में भव्य और खास, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं वॉर मेमोरियल दिल्ली से। इस वक्त ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनका स्वागत करते हुए और यहां पर जो योद्धा खड़े हैं उनकी सलामी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीनों सेना, जल थल वायु के तीनों ब्रिगेडियर्स आपको मौजूद नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर सीधे अमर जवान ज्योति पर जाके श्रद्धांजलि अर्पित करके उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को जिनका सैलाब उमड़ा, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया, भारत माता के प्रति जहां पर उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा और अपने प्राणों की न्यौछावर दी। अमर जवान ज्योति से वॉर मेमोरियल से आपको ये सीधे तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को सलामी देकर गॉड ऑफ ऑनर पुष्प अर्पित किया जाएगा। 2 मिनट का यहां पर श्रद्धांजलि के लिए मौन रखेंगे अमर जवान ज्योति, जहां पर तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को हर पल याद किया जाता है। 2400 घंटे 365 दिन ये ज्योति उनके सम्मान में, उनकी याद में जलती रहती है। ये भारत को एहसास दिलाती है कि आपके शौर्य पराक्रमी वीर जिन्होंने शहादत कर दी आपकी सुरक्षा के लिए, भारत माता की सुरक्षा के लिए। वॉर मेमोरियल से तस्वीरें बहुत ही अहम बताती है कि ना पूछो जमान से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। गॉड ऑफ ऑनर देते हुए सलामी, 2 मिनट का मौन और उसके बाद वॉकआउट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। Thank you.
वन जहां पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन वीर शहीदों को आज के खास दिन पर याद किया जा रहा है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी ताकि ये देश आजाद रहे और तरक्की की ओर आगे बढ़ता रहे। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली कि 2047 तक भारत को विकास के डगर पर इतना आगे बढ़ा देना है कि विकसित राज्य में शुमार कर देना है, ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत अब अदम्य है, भारत अब पराकाष्ठा की उस ओर अग्रसर है, भारत अब अद्भुत है।